वीडियो मिल गई ना, वीडियो मिल गई, अब देख लो वीडियो को। और कैसे देखोगे तो स्किप कर कर के देखना, ठीक है ना, एकदम स्किप कर कर के देखना। और स्किप इतना करना ना कि कुछ भी वीडियो में जो बताया गया है वो पल्ले नहीं पड़ना चाहिए, मतलब समझ में नहीं आना चाहिए। ऐसा वीडियो को स्किप कर कर के देखना। और बाद में ये भी लिखना नीचे कमेंट में कि भैया हमारा ना अलो समझ में हाई जगह, हमारा बता दे। तो हम भैया बताए अब ये बता दे रही हो तू सबके कि देखे से कोई फायदा ना हो, स्किप कर से सही से देख वीडियो, तब तोरा समझ में आई तो ना देख में उस तरह से, तो भैया ये वीडियो छोड़ के चल जो आराम से, कहियो ना हो तो तोरा से ये सब काम। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है दोस्तों कि वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर कोई जगह समझ में नहीं आता है तो उसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि आपने वीडियो को कहीं ना कहीं ठीक से नहीं देखा होगा, जिसके वजह से आपको उसका आंसर नहीं मिला। लेकिन अभी भी मेरा कहना आपको नाजायज लगता है दोस्तों, तो मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो वर्क है ये करीब 4-4.5 घंटा का वर्क है, और इसको मैं 17 मिनट 30 सेकंड के वीडियो में कंप्रेस कर दिया हूँ। तो अब आप बोलिए कि ये बहुत ज़्यादा मिनट का वीडियो है क्या? 25-30 मिनट की हंसी ठिठोली वाली वीडियो को आप बहुत एकदम गौर से देखते होंगे, एकदम पूरा देखते होंगे, लेकिन ये नॉलेज वाली वीडियो है ना, इसको आप नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें हंसी ठिठोली नहीं है। लेकिन पता नहीं आपको तो भी हंसी आ रही होगी, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और उसी को सोच के ये वीडियो देख लीजिए। कम से कम आपका नहीं तो कम से कम मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए इसमें। एक आवश्यक सूचना, हमारे चैनल पे कुछ गिवअवेज आने वाले हैं, और जिनको गिवअवेज के बारे में पता नहीं है तो कुछ किट हैं जो विनर को मिलेंगे, और हमारे सब्सक्राइबर में से कोई एक विनर बन जाएंगे, और वो विनर कैसे बनेंगे वो मैं बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो पहला काम ये करना है कि दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इस चैनल को जिस पे ये वीडियो है वो चैनल को तो आप सब्सक्राइब करके ही रखिए, और साथ में जो मेरा दूसरा चैनल है गौरव कौशिक ऑफिशियल, आई बटन पे लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका और हमारा दोनों का फायदा है। चलिए अब हम अपने साइकिल की तरफ चलते हैं, और आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं इसलिए आपको ज़्यादा बताने का कोशिश नहीं करते हैं। तो ये जो मैंने कसा है इसको बीबी कप सेट बोलते हैं, और इसी में मैं डुअल फ्रीव्हील अटैच करूँगा। तो डुअल फ्रीव्हील अटैच करने के लिए सबसे पहले बीबी कप सेट का जो बोल्ट है उसको निकाल के साइड कर देना है, उसमें जो लगा हुआ है, और उसमें उसको हटाने पर ही दोनों फ्रीव्हील को अटैच करना है। और साथ में जो फ्रीव्हील है, देख लीजिए, आपको जो बाहर वाला फ्रीव्हील होगा उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो आधा से ज़्यादा कसा गया है और थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो उसके लिए हम उसमें कुछ नट्स लगाएंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि भाई ये दोनों ज्वाइंट टाइप का दिख रहा है, तो भाई सटेगा तो नहीं ना? तो आपको बता दे दोस्तों कि कोई सटेगा नहीं, और इसको है ना इसको नहीं लगाना है इसमें, इसी को मैं बोल रहा था कि बीबी कप का जो बीच वाला जो भाग है उसको हटा देना है निकाल के। और ये मैं नट्स लगवा रहा हूँ, और ये जो लग रही है ना दोस्तों, आप एक बार गौर कीजिएगा ध्यान से कि जो बाहरी सतह वाला फ्रीव्हील है उसके बाहर साइड के दीवार से बाहर आना चाहिए। कहने का मतलब आप जान लीजिए कि मतलब कि एक नट तो लग गया, दूसरा नट लग गया, अब देखिए ये बाहर आना चाहिए, यही दीवार के बारे में बात कर रहा था, दीवार के बाहर आना चाहिए, तभी आपका वो पकड़ के रखेगा उसको, मोटर को थोड़ा स्पेस मिलेगा, चैन आ सके। तो ये आपको करना पड़ेगा, और थोड़ा बड़ा एक्सल लेना पड़ेगा जो आपको आपके किट के साथ मिलेगा, 8 इंचेस का एक्सल आता है, उसको लेने के बाद आपको ये एकदम परफेक्ट बैठेगा, और साथ में आपको बीबी कप का सेट भी मिलेगा आपको। तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, आपको किट के साथ आपको मिल रहा है। तो और किट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपको अगर 2-4 दिन 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई कॉल वगैरह नहीं आता है तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सबका अलग अलग काम है, कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं करेगा, और जैसा कि आप देख रहे होंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो देखिए हम अपने चैन कवर को खोल कर निकाल लेते हैं, और बस जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं। और उससे पहले मैं अपने गिवअवे के बारे में कुछ आपको बता दूं कि जैसे गिवअवे क्या है, मैं 2-3 किट का गिवअवे करूंगा, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट दोनों मिले हुए हैं। अगर संभव हो तो बैटरी का भी गिवअवे करूंगा, और बैटरी होगी लिथियम आयन, और साथ में चार्जर भी होगा उसका अलग, और 48 वोल्ट का किट अलग आता है दोस्तों, और चार्जर अलग आता है, तो चार्जर का भी गिवअवे होगा।
तो इतने सारे गिवअवेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं ये बात बता दे रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। और दूसरी बात, घंटी को बजाना मत भूलिएगा, क्या कि गिवअवे का कब क्या इन्फॉर्मेशन मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसका भी काम कर लीजिएगा, क्या कि घंटा नहीं दबाइएगा तो कम्युनिटी का इन्फॉर्मेशन आपको आएगा नहीं। और कम्युनिटी में कुछ कुछ मैं न्यूज़ वगैरह डालते रहता हूँ, अभी ओकिनावा आई प्रेस के बारे में मैंने डाला था, तो वो सब चीज़ देखते रहिएगा, क्योंकि मैं शोरूम जा रहा हूँ और उसका भी रिव्यू मैं अपने चैनल पे दूंगा। पहला रिव्यू मेरे ही चैनल पे मिलेगा, कोई उसको रिव्यू नहीं कर पाएगा, देख लीजिएगा आप, पूरा भारत का किसी भी चैनल पे जाके देख लीजिएगा, रिव्यू नहीं आएगा ओरिजिनल, एकदम डुप्लीकेट रिव्यू दिखाएगा ओकिनावा आई प्रेस का। और मैं आई प्रेस का रिव्यू मैं दे चुका हूँ, टॉप 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया इन 2018 वाले वीडियो में जाके देखिए, आई प्रेस का रिव्यू उसमें दिया हुआ है। आप लिथियम आयन बैटरी देख रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी मॉडल्स में मैंने दिखाया है, आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो मेरे ऊपर आप जाके देख सकते हैं, तो उसमें मैंने लिथियम आयन बैटरी का जो है वो मॉडल दिखाया है लॉन्चिंग होते हुए, आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो मोटर है वो थोड़ा सा एक तरफ ज़्यादा हो रहा था, एक तरफ कम हो रहा था, तो ये जो पत्ती है, पत्ती मिल जाएगा आराम से 5-6 रुपया में, या फिर 3 रुपया 4 रुपया में, जो भी आपका आपके एरिया का रेट हो उस हिसाब से हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा, और इसी को लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ भी जो भी हो दिक्कत, बस कमेंट कर देना है, कमेंट क्या करना है, जवाब तो मिल ही गया तो कमेंट ना करें इसका ध्यान रखें। लोग बोलते हैं अपने चैनल पे दूसरे चैनल्स की लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, भाई लाइक शेयर तो ठीक है और सब्सक्राइब भी ठीक है, अरे कमेंट करने का क्या ज़रूरत है, अरे कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या जो कमेंट करें, बार बार कमेंट करके मतलब कि क्या, जवाब तो मिल जा रहा है भाई। हाँ, कमेंट करें कि आपको देखने से क्या फ़ायदा हुआ, बस उसको कमेंट करें, उसको सही कमेंट बोलते हैं, बाहरी कमेंट नहीं। तो अभी जो है सब चीज़ जो देख लिए आप, थोड़ा चैन वैन टाइट हो रहा है, और इनका नाम टेक्निकल बॉय है, इनका चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्रेडिट इनको जाता है इस वीडियो का, क्योंकि ये अपने साइकिल में कस रहे हैं मेरे द्वारा इंस्पायर होके, तो बना रहे हैं, और देख लीजिए आप भी ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपने चैनल पे भी ये वीडियो डाले हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा मैं वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, 17 मिनट 20 सेकंड का, इन्होंने 7 मिनट का वीडियो बनाया है और मैं 17 मिनट 20 सेकंड का वीडियो बनाया हूँ। तो ये टाइट हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, तो सब चीज़ हो चुका है और बस टाइट होकर अब खड़ा करते हैं इसको, और बातचीत तो होते रहती है आपसे, और बताने वाला हूँ कि लिथियम आयन बैटरी का जल्द ही सेल स्टार्टिंग होगा हमारे चैनल पे, तो उसके लिए भी बने रहें, और बहुत सस्ते रेट पे आपको लिथियम आयन बैटरी आपको मिलेगी। तो ये टेस्टिंग हो गया, चैन वैन सही से चल रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में थोड़ा आवाज़ करता है लेकिन बाद में वो धीरे धीरे चलते चलते वो सही हो जाता है। अब साइकिल में एयर भरा जा रहा है और जल्दी जल्दी हम एयर भर ले रहे हैं साइकिल में, और उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का स्टेप। तो चैन एकदम बिल्कुल सीधा है, तो ये मतलब कि अब जो है ब्रेक लगाने का टाइम है, तो ब्रेक हम लोग लगा ले रहे हैं जल्दी जल्दी एकदम। आपको बता दें ब्रेक कैसे लगाते हैं, तो वो भी हम बता देते हैं आपको एक बार दिखा के, क्योंकि GK का जो ब्रेक है वो बहुत ही मजबूत ब्रेक है और उसको लगाने का थोड़ा सिस्टम अलग है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो पे भी ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में बहुत सारे ऐड देखने को मिले, बट बता दूँ मैं आपको कि मेरी अर्निंग बहुत कम है दोस्तों, और इसी से मेरा गुजारा चलता है, और इसी से मैं आप सबके लिए गिव अवे प्लान करते रहता हूँ। तो ऐड देखिए दोस्तों, बार बार ऐड ना देखिए, जितना ज़रूरत हो जितना आपको YouTube दिखाए उतना ही देखिए, ज़्यादा देखने से मेरा नुकसान होता है और आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि ऐड देखने से तो आपको कोई मतलब कि मतलब ही नहीं है, लेकिन ऐड दिखाया जाता है क्रिएटर के लिए, क्रिएटर को कुछ फ़ायदा हो जाता है ऐड से। तो बात ये है दोस्तों कि ऐड देखिए इस वीडियो पे, जो भी ऐड आ रहे हैं देखिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे हो जाए, और वीडियो जो है ना वीडियो लंबा देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 100-200 लोग हैं वही लंबे मतलब लंबा टाइम वॉच करके इस वीडियो को
इस वीडियो को वायरल करते हैं, जरूरतमंद तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो मेरा प्रयास है कि हर एक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आप उनमें उन लोगों में से एक हैं जो ये वीडियो आप तक पहुंचा है, और बस आपका ये रोल बनता है कि उन लोगों तक भी आप ये वीडियो पहुंचाइए। इसके लिए आप मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हर एक प्लेटफॉर्म पे आपका जहाँ जहाँ जो लगे वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कोई भी यूट्यूबर अगर ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उनका नाम मैं ले लेता हूँ, चाहे वो टेक्निकल पार्था हो, चाहे क्रिएटिव साइंस हो या फिर कोई और हो, तो एक बार अपने कम्युनिटी में भी शेयर कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं स्ट्राइक नहीं लगाने वाला हूँ, बेझिझक शेयर कर दो। और हमारे चैनल के जो भी मेंबर्स हैं उनसे भी यह आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और आप देख रहे हैं कि ये जीके का किट है जो वहाँ पे साइड में दिखा रहा था टोटल के डमी में, तो ये जीके का किट है दोस्तों। आप सभी को भारत की कुछ गौरवशाली परंपरा से रूबरू कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन जो भी किताबें पढ़ते हैं, जो भी भारत के बारे में पढ़ते हैं, वो उसमें कहीं लिखा हुआ रहता है गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपरा के बारे में नहीं पढ़ते हैं। भारत की गौरवशाली परंपरा के बारे में उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। उन्हें पढ़ाया जाता है अंग्रेज़ों ने ये काम किया, अंग्रेज़ों ने ये काम किया, इसने इस विदेशी ने ये आविष्कार किया, उस विदेशी ने ये आविष्कार किया। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, हर चीज़ भारत में आविष्कार किया गया था। हर चीज़, कोई भी चीज़ बोल दीजिए, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा हेड ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हो, सब भारत में हो चुका है। भारत में आप बोलिएगा कहाँ हो चुका है, कुछ उदाहरण दो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदेशी पराक्रमों ने, विदेशी लोगों ने हमारा वेदों को चुराकर, जो चार वेद हैं उसमें सब बताया गया है, जादू टोने से लेकर हमारे आविष्कारों तक सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है चारों वेद में। जादू से लेकर, चमत्कार से लेकर, जादू टोना से लेकर, उसको चिकित्सा से लेकर सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। और वो सारा वेद को वो चुरा कर लेकर चले गए थे और उसी को पढ़ के रिसर्च कर रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनियों को वो वेद याद था, इसीलिए कंठस्थ होने के कारण हमने वो वेद फिर से लिख दिया। और बताना चाहता हूँ दोस्तों, हेड ट्रांसप्लांट हम लोग का पहले हो चुका है गणेश जी का। गणेश जी का हेड ट्रांसप्लांट शिव जी के द्वारा किया गया था। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, पुष्पक विमान जो रावण का था वो एक एनर्जी से उड़ता था, जिसको बोलते हैं सौर्य ऊर्जा। सौर्य ऊर्जा से वो विमान चलता था। सौर्य ऊर्जा उस समय बन चुका था, अभी लोग बोलते हैं कि फलाना ने आविष्कार किया है। फिर बोलना चाहता हूँ दोस्तों, सौर्य ऊर्जा के बाद बैटरी हम लोग का आविष्कार हो चुकी है। बैटरी घड़े में, घड़े जो पानी पीते हैं ना घड़े वाले, वो उसको बैटरी के रूप में लोग आविष्कार, मतलब कि उसको बनाते थे। आपको पता नहीं होगा लेकिन आप बहुत सारे गांवों में उसी से बैटरी बना दिया जाता है और उसको काम में लाया जाता है। क्या कि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा परिचित हूँ, उसको मैं जान रहा हूँ। घरे में कुछ मटेरियल डाला जाता है, गोबर और नमक और ऐसा कुछ, ठीक है ना, डाल के उससे विद्युत निकाला जाता है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं एडम स्मिथ ने उसको आविष्कार किया है अर्थशास्त्रों में। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य ने उसने आविष्कार किया था अर्थशास्त्र का। और एडम स्मिथ का जन्म भी नहीं उस समय हुआ था, उस समय उससे भी पहले चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य ने इसका आविष्कार किया था। तो सारा कुछ न्यूरोसर्जरी बोलते हैं कि हाथ आधा आधा कट जाए तो फिर से हाथ को उगा देने वाला सर्जरी, ऐसा भारत में था, लेकिन धीरे धीरे सब को ख़त्म कर दिया गया है। आज भी भारत का अगर इतिहास जिंदा रहता ना, तो आज भी वैसे लोग रहते हैं जो उस तरह के सर्जरी करने में सक्षम रहते हैं, लेकिन यहीं के पढ़े हुए लोग विदेशों में जाकर पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने देश को त्याग कर दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आज के औजार जो चिकित्सा में यूज हो रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों यूज हो रही है, देखते होंगे आप, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब या फिर गूगल में सर्च कर लीजिए, वो जो घूमे हुए कैंची और जो भी कटिंग, मतलब घूमी हुई
चीरने वाली ब्लेडें वो सब होती है, वो सब तरह तरह के जंतु के चोंच रहते हैं, चोंच जो पहले हम लोग का सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता था, न्यूरो सर्जरी में हम लोग के भारत के जो पुरातन काल के लोग थे वो कौए की चोंच, शेर का दांत, इस सब से सर्जरी होता था। और ये सब अभी इस आकार का अभी हमें लोहे के आकार में देखने को मिलता है, लोहे के आकार में। आप उससे मैच कीजिएगा, कौवे का चोंच जैसा कोई ऐसा कैंची या फिर कोई अस्तूरा है कि नहीं जो सर्जरी के काम में आता है। अगर आप चिकित्सा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो आपको ये बात पता चलेगा कि हाँ, ये व्यक्ति सही कह रहा है कि भारत का एक गौरवशाली इतिहास हम भूल चुके हैं जो हमें जानना चाहिए था। तो ये कुछ था दोस्तों इतिहास जो शॉर्ट में आपको बताया, नहीं तो ऐसा इतिहास है कि कभी बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन इतिहास ख़त्म नहीं होगा हमारे भारत का। इसीलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत जैसे अच्छे देश, बड़े देश और ताकतवर देश में जन्म लिए हैं। तो चलिए ये सब हम छोड़ते हैं और हम अपने साइकिल पे आते हैं। तो हमारा साइकिल पूर्णतः बन चुका है दोस्तों। अब यहाँ RGB लाइट दी गई है और एक इंडिकेटर दिया गया है जैसा आप देख रहे हैं। ये इंडिकेटर बहुत बैटरी खाता है, लेड एसिड में तो खाएगा ही खाएगा, आधा माइलेज ही ले लेगा, आधा नहीं लेगा, ये कुछ ना कुछ माइलेज आपका बैटरी से ले लेगा। तो कुछ ज़्यादा ये बैटरी खाने वाला है, तो मैं बोलूँगा इसके चक्कर में आप GK का किट मत लीजिए। और मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ GK को, ये बात मैं बता देता हूँ। और ये लाइट जलती है, RGB लाइट है, अच्छी दिखती है, लेकिन बैटरी भी खाती है। तो जल्द ही हमारे चैनल के द्वारा लिथियम आयन बैटरी का सेल शुरू होगा और आप अपने इलेक्ट्रिक बाइक के लिए लिथियम आयन बैटरी ले सकते हैं। इसमें लेड एसिड बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट की दो बैटरी लगी हुई है और उससे करीब करीब 7 एम्पियर की बैटरी लगी हुई है, उससे 7 किलोमीटर के आसपास माइलेज देगी, पुरानी हो जाएगी तो। और अच्छी खासी स्पीड में अभी चल रही है, बस 7-8 किलोमीटर ये माइलेज देती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर कोई बात आपको ख़राब लगी हो तो दिल पे मत लेना, सोचना कि छोटे भाई से गलती हो गई। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।